R15, Gixxer, RS200 एंड करिश्मा इन चारों मोटरसाइकिल्स में एक सिमिलैरिटी है, दैट इज के सारी की सारी फुली फेयर मोटरसाइकिल्स हैं। टुडे आई विल टेल यू कि एक्चुअली मोटरसाइकिल कौन सी बढ़िया है। I'll always go with R15. It's a Japanese engine and ये proven engine है लाखों किलोमीटर चलने के लिए। थोड़े से महंगे हैं इसके parts, I agree, but long term में it saves you a lot of money अगर आप preventive measure करते हैं। Preventive measure is in कि अपनी motorcycle के parts खराब होने से पहले उनको या तो fix कर लीजिए या change कर लीजिए। ये आपको कई लाख किलोमीटर तक लाइफ दे देगा इस इंजन से विदाउट रिपेयरिंग एनीथिंग। बट भी ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा। इफ यू कम टू द सेकंड पार्ट देन आई विल चूज Gixxer, बिकॉज Gixxer इज अ फेयरली गुड मोटरसाइकिल, राइट? आई डोंट नो व्हाई दिस इज सो अंडररेटेड। इट गोज गुड ऑन कॉर्नर्स, इट इज वेरी कंफर्टेबल। दिस इज डेफिनेटली, अगर R15 वाला आपको सुपर स्पोर्ट एकदम स्टांस नहीं चाहिए, देन Gixxer इज द ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन दैट आई विल गो विद इज RS200। RS200 एक परफेक्ट सिटी मोटरसाइकिल है एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड ऑन कॉर्नर्स। Presence अच्छा है, इंजन अच्छा है, बट रिलायबिलिटी एज कम्पेयर टू द जापानीज वंस इज रिलेटिवली लेस। पार्ट्स डेफिनेटली उनसे सस्ते हैं, बट वो ये है कि लॉन्ग रन अगर आप रखना चाहते हैं तो फिर जापानीज इंजन वाली मोटरसाइकिल लीजिए। एंड फॉर द लास्ट आई विल गो विद XMR। सी, लुक्स सब्जेक्टिव हो सकते हैं, बट आई थिंक कि फुली फेयर बाइक आदमी लुक के साथ भी लेता है, तो आई डोंट रियली लाइक द लुक ऑफ दिस मोटरसाइकिल। ऑल्दो इंजन इज गुड, बट इट इज नॉट दैट गुड। अगर मुझे इतना पैसा डालना ही होगा तो आई विल गो विद बजाज RS200। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मोटरसाइकिल्स? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।